नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल ब्यूटीफुल वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि कोई व्यक्ति सपने में माता सरस्वती की मूर्ति का विसर्जन होते हुए देखता है तो यह सपना व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव डालता है। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने सपनों का बिल्कुल सही मतलब जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आप अपने किसी सपने का मतलब जानना चाहते हैं तो आप अपना सपना हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम वीडियो के माध्यम से आपको आपके सपने का मतलब बताने की कोशिश करेंगे। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में माता सरस्वती की मूर्ति का दिखना एक बहुत ही शुभ संकेत देने वाला सपना होता है। जो भी व्यक्ति सपने में माता सरस्वती की मूर्ति को देखता है उस व्यक्ति के ज्ञान का और बुद्धि का विकास होता है। विद्यार्थियों के लिए यह सपना बहुत ही शुभ फल देने वाला सपना माना जाता है। यह सपना देखने वाले विद्यार्थियों को उनकी परीक्षा प्रतियोगिता में सफलता की प्राप्ति अवश्य होती है। यदि कोई व्यक्ति सपने में माता सरस्वती की मूर्ति का विसर्जन होते हुए देखता है या वह स्वयं माता सरस्वती की मूर्ति को विसर्जित करता है तो भी यह सपना शुभ फल देने वाला सपना ही होता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार माता सरस्वती को राहु की इष्ट देवी माना जाता है, इसलिए जो भी व्यक्ति यह सपना देखता है उस व्यक्ति के जीवन में यदि राहु से संबंधित कोई बाधा कोई परेशानी होती है तो माता सरस्वती के आशीर्वाद से वह परेशानी समाप्त होती है। इसके साथ ही यह सपना व्यक्ति के अज्ञान उसके जीवन की नकारात्मकता को भी समाप्त करता है। यह सपना देखने वाले व्यक्ति के जीवन में सकारात्मकता आती है और व्यक्ति का जीवन ज्ञान के प्रकाश से भर जाता है। इस प्रकार सपने में माता सरस्वती को देखना बहुत ही शुभ फल देने वाला सपना होता है। उम्मीद है आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सपनों का बिल्कुल सही मतलब जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।